दादी माँ के घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकाल कर जरूर देखें। नंबर एक, गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी लौट आती है। नंबर दो, किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित तौर पर तरबूज ड्रिंक का इस्तेमाल करें। नंबर तीन, चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसके नियमित सेवन से चेहरे पर ग्लो आ जाता है। नंबर चार, दिल की रोगियों के लिए करेला ड्रिंक बेहद फायदेमंद होता है, यह ब्लड को स्वच्छ बनाए रखता है। नंबर पाँच, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार बालों पर गर्म तेल की मसाज लें और भाप दें। गर्म तेल बालों को ड्राई होने से रोकेगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। नंबर छः, मेहंदी को कलर आने तक ही बालों पर लगा कर रखें और फिर तुरंत धो लें। मेहंदी जितनी देर बालों में लगी रहेगी उतनी देर बालों की नमी सोखती है। नंबर सात, खाली पेट नहाने से बुढ़ापा देर से आता है। नंबर आठ, सर दर्द को शांत करने के लिए नींबू को आधा काट ले और उसे अपने माथे पर मले। नंबर नौ, दांत दर्द से राहत पाने के लिए लौंग या लहसुन के तेल में रुई भिगोकर दर्द वाले दांत के पास लेप करें, इससे दांत दर्द में आराम मिलेगा। नंबर दस, सांसों से लहसुन की गंध दूर करने के लिए या पेट फूलने से राहत पाने के लिए अजवाइन की टहनी को चबाएं। नंबर ग्यारह, मच्छर के काटने से होने वाली खुजली से छुटकारा पाने के लिए या तुरंत राहत के लिए उस जगह पर साबुन को लगाएं। नंबर बारह, अजवाइन के फूल और चाय के पेड़ का तेल घाव को साफ करता है और संक्रमण को रोकता है। नंबर तेरह, कब्ज के लिए रोजाना नाश्ते से पहले एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पिए। नंबर चौदह, होंठ कटने जलने या फटने पर शहद लगा ले, इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर पंद्रह, मुंह में छाले पड़ गए हैं तो लहसुन के एक कले को छीलकर उसका एक टुकड़ा काट ले, कटे हुए सिरे को मुंह में छालों पर रखें, इससे आराम मिलेगा। नंबर सोलह, गले की खराश हो गई है तो अदरक के चाय से गरारे करें, आराम मिलेगा या कम करने के लिए इसे घूट घूट कर पी सकते हैं। नंबर सत्रह, दमा के लिए आधा प्याज का रस, दो बड़ा चम्मच शहद और आधा चम्मच काली मिर्च मिला लें, इसे एक चम्मच नियमित रूप से ले, इससे आपको आराम मिलेगा। नंबर 18, अगर पेट फूल गया है तो नाश्ते से पहले एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच साइडर विनेगर और आधा चम्मच शहद लेकर पी ले। नंबर 19, असली शहद फ्रिज के अंदर रखने से जमता नहीं है और असली शहद पर कभी भी मक्खी नहीं बैठती है, यही असली शहद की पहचान होती है। नंबर 20, ब्लैक हेड्स हटाने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर उसके नाक पे लगाएं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मसाज करें। रोजाना इस उपाय को करने से ब्लैक हेड्स भी चले जाएंगे और नाक के ऊपर मैल भी साफ हो जाएगी। यह उपाय सिर्फ एक मिनट में अपना असर दिखाता है। टिप्स नंबर 21, एक गिलास दूध में एक चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से शारीरिक, मानसिक व दिमागी कमजोरी दूर होती है, साथ ही जवानी हमेशा बनी रहती है। नंबर 22, अगर चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो हल्दी को सरसों के तेल के साथ मिलाकर धब्बों पर लगाने से फायदा होता है। नंबर 23, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दर्द बढ़ सकता है। देखेंगे फ्रेंड्स, नंबर 24, ठंडा पानी पीकर सोने से हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। नंबर 25, जिन लोगों को उल्टा लेट कर सोने की आदत है उनको हार्ट अटैक जल्दी आता है। नंबर 26, अगर आप अपने सिर के बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाना चाहते हैं तो अपने बालों की मालिश सरसों के तेल से करें, इससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। नंबर 27, जो महिलाएं नहाने के बाद सौंफ का पानी पीती है वह कम बीमार पड़ती है एवं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर 28,
काले जीरे के तेल से शरीर की मसाज करने से हड्डियां मजबूत होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर 29, जो औरत पैरों में चांदी के पायल पहनती है उनके पैर में दर्द की समस्या खत्म हो जाती है और उनकी हड्डियां भी मजबूत होती है। नंबर 30, दही के साथ बादाम खाने से शरीर को ताकत मिलती है और त्वचा मुलायम हो जाती है। नंबर 31, यदि आपके कान में कोई कीड़ा चला गया हो तो कान में सरसों तेल को भर लें, इससे कीड़ा ऊपर की तरफ चलाएगा और बाहर निकल जाएगा। नंबर 32, मूली के पत्ते चबाकर खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। टिप्स नंबर 33, सुबह सुबह खाली पेट सेब खाने से गैस की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 34, नाश्ते में दलिया खाने से शुगर की समस्या खत्म हो जाती है और ऐसे भी हम जानते हैं कि दलिया जो है हमारे वजन को भी कम करता है। नंबर 35, जिन बच्चों की आंखें भूरे रंग की होती है उनका दिमाग बहुत तेज होता है। नंबर 36, कुरकुरी और क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए सब्जी बनाते समय भिंडी में 2 से 3 बूंदे नींबू का रस मिला लें, सारी चिपचिपाहट 2 मिनट में दूर हो जाएंगी और भिंडी क्रिस्पी बनेगी। नंबर 37, रात को 1 गिलास दूध जरूर पिया करें, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। नंबर 38, सोने से पहले गुड़ का 1 टुकड़ा पानी के साथ खाने से पथरी टूटकर यूरिन के साथ बाहर आ जाती है और गुड़ खाने से आपके सीने में होने वाले जलन में भी आराम दिलाता है। नंबर 39, पेट की चर्बी को अगर चंद दिनों में पिघलाना चाहते हैं तो पानी में संतरे के बीज को डालकर पी लें, इससे आपके पेट की चर्बी जल्दी पिघल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो ख़त्म हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।